देखते हैं। औरत से पूछ सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। पर गौतम, अगर ये भी उस गांव वाले की तरह आत्मा है तो गांव लग रहा है। हाँ। पर फिर भी हम उन सब पे भरोसा नहीं कर सकते। चलो देखते हैं क्या। भाई साहब, चाय और थोड़े बिस्किट मिलेंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, पर आप मेरी एक घड़ी रख सकते हैं। एक छोटी मेहरबानी और कर देंगे हम। रात गुजारने के लिए अगर कोई जगह मिल जाती तो अच्छा रहता।
बेटा तुम्हें पता है ना कि हम किस तरफ जा रहे हैं? हम सही रास्ते तो जा रहे हैं ना? वो गांव के लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? चलो देखते हैं। चिकनी किया हुआ गौतम, क्या हो गया? गौतम, तुम आर यू ऑल राइट? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा तुम सेट कराने के लिए इतना टाइम क्यों लेती हो? सिद्धार्थ, मुझे इतना टाइम लेना पड़ता है क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा टाइम लगाते हो रेडी होने में। मैं रेडी होने में टाइम लगाता हूँ, अब तक रोलर्स तुम्हारे सेट में थे। तो क्या हुआ, वो तो लास्ट मिनट टचअप हो देना सिद्धार्थ। व्हाटएवर। अच्छा, लोकेशन बहुत प्यारी है ना? बहुत सुंदर महल है। अगर ऐसी हवेली बॉम्बे में होती तो हम बॉम्बे में शूट कर रहे होते। अरे देखो कौन आ गया, ये तो गौतम और रोशनी है। ये गौतम और रोशनी यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं, हो सकता है हमारा शो एंटर कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। गौतम, रोशनी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रोशनी, तुम्हारे चेहरे पे और गर्दन पे ये सारे मार्क्स कैसे? क्या हुआ है तुम्हें? वो हम दोनों जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे और वहाँ पे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, नथिंग सीरियस। और फिर हम रास्ता भटक गए और रास्ता ढूंढ ही रहे थे, तब आप दोनों हमें वहाँ मिल गए। और मैंने एक्चुअली गलती से पंकज जी को, आई एम रियली सॉरी पंकज। अरे अरे नहीं यार गौतम, चलो एक बात की खुशी है कि मेरी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग लगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में इशिता को मारने जा रहा हूँ? गाइस, आप में से किसी के पास फोन है? वो एक्चुअली जंगल में हम दोनों के फोन्स मिसप्लेस हो गए और मुझे घर फोन करना है। रोशनी, फोन तो है मगर चलता नहीं है, लैंडलाइन है वो खराब है और नेटवर्क यहाँ आता नहीं है। बट डोंट वरी, यूनिट का एक मेंबर गया है शहर, सो आई थिंक कल तक लैंडलाइन शुरू हो जानी चाहिए। आई होप सब ठीक ठाक है यहाँ पे। ठीक खाक ठीक है? क्या कोई घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है? और रास्ते पे तो गाड़ी ले जाने की सोचो भी मत, ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे? गाँव के लोग वो तो वैसे ही किसी से बात नहीं करते। सबसे पहले तुम दोनों का सीन कर रहे हैं? ओके। टचअप करा के 15 मिनट में आ जाओ। और मेगा, तुम भी कॉस्ट्यूम चेंज करके तैयार हो जाओ। एग्जैक्टली एक घंटे के बाद तुम्हारा सीन करूंगा। ओके जी सर। और आप लोग भी जाइए ऊपर हवेली में, आराम कीजिए, काफी कमरे हैं। अरे स्पॉट। यस सर। इनको ऊपर हवेली में ले जाओ। जी सर। थैंक यू सर। वेलकम। गाइस,
आप सबको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भी कम से कम नए चेहरे तो दिखे। चलो यार आप आराम करो, आते हैं चलिए हम भी। आइए साहब। वैसे साहब यहाँ थोड़ी सी परेशानी है कि लाइट आती जाती रहती है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगाइए, चाय पानी कॉफ़ी एक आवाज़ में हाजिर। आपका कमरा भी आ गया मैडम, ये है आपका कमरा। और साहब आगे वाला कमरा आपका है, ठीक साहब? चलो। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा, गुड नाइट। शायद वो भयानक चीजें अब हमारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएंगी। हो सके तो उन्हें एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करना। और देखो अब बहुत जल्द हम अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। मैं साथ वाले कमरे में हूं तो तुम किसी चीज की चिंता मत करना। थैंक यू गौतम, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अरे जो तुमने मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम सो जाओ, बहुत थक गई होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। Yes, sir. पीछे आ जाओ। ओके सर, रेडी। चलो सर। एक्शन। सर ये आपकी लाइन से एक बार देख लीजिए सर प्लीज। अरे रेडी है, लाइन जाना ठीक के टाइम कर ले। ठीक है सर, थैंक यू। सर सर सीन रेडी है। मेगा रेडी? रेडी सर। हाँ तुमने शॉट समझ लिया ना? हाँ जी। तुम इस तरफ मत देखना, तुम आगे बढ़ना, जहाँ तुम खड़ी हो वहां से आगे लास्ट पॉइंट तक। ठीक है सर। देखो तुम अपने प्रेमी के बारे में सोच रही हो, उधर देखना। ओके चलो। साइलेंस। रोल कैमरा एक्शन।
Got it. Very good. Perfect. मेगा तुम जरा ऐसा करो कि तुम जरा बैठो, मैं कैमरा एंगल चेंज कर लूं. हाँ आओ मेरे पास, कूद जाओ वहां से, डरो मत, आओ मेरे पास, आ जाओ. अरे भुवन सुनो, बाय द वे सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है, आप मुझे सिद्धार्थ बुला सकते हैं क्योंकि भुवन तो कैरेक्टर नहीं है ना. अरे सॉरी यार, नरेशन के टाइम में नाम हम भूल जाता हूँ. नो प्रॉब्लम. किसी से मत डरो, आ जाओ. ये लाइन है ना, सर वो मेघा माँ क्या कर रही है? ये मेघा ऊपर क्यों चढ़ रही है? शॉट तो खत्म हो चुका है. अरे मेघा, मेघा पीछे तो क्या कर रही हो? अरे मेघा, मेघा रुको, अरे रुको, रोको भाई उसको. आ जाओ, आ जाओ. रुक जा मेघा, मेघा क्या कर रही हो? मेघा रॉबी हाय, रॉबी मेघा आ जाओ, डरो मत. लेखा, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या कर रही थी? भुवन, तुम ठीक तो हो ना? लेखा मैं भुवन नहीं, सिद्धार्थ हूँ. शॉट खत्म हो चुका है. भुवन, भुवन. मेघा, मेघा क्या हो गया? मेघा, मेघा आंखें खोलो. मेघा, मेघा, मेघा अपनी आंखें खोलो. मेघा क्या हो गया तुम्हें? देखा प्लीज अपनी आंखें खोलो. क्या हो गया फिर तुम्हें? वहां से गिर जाती तो? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मैं वहां से चलकर अपना शॉट दे रही थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, मगर अब मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं. क्या हुआ? कुछ नहीं. तो तुमने इस तरह पेट पर क्यों हाथ रखा है? पता नहीं, अजीब सा दर्द हो रहा है. ये सब पहले भी हुआ है शूट में. उस दिन पंकज जी गिर गए थे सीढ़ियों से और उन्हें चोट भी आई थी, और फिर उसी शाम रमेश वो लाइट वाला उसके सिर पे लकड़ी का डंडा गिरने वाला था. I tell you, something is wrong. पिछले 4-5 दिनों से मुझे कुछ अजीब लग रहा है. बिल्कुल सर, इशिता बिल्कुल सही बोल रही है. इनफैक्ट मैं जब से यहाँ आया हूँ रोज रात में डरावने सपने आ रहे हैं. मुझे भी कुछ
अजीब अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा करते हैं कि यहाँ से चलते हैं, मैं स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर दूंगा, बाकी की शूट मुंबई में करेंगे। That's a good idea. हमें चलना चाहिए। अरे मेकअप दादा को बुलाना। एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए, हम बॉम्बे जाकर शूट नहीं कर सकते सर। सिद्धार्थ तुम उनको बोलो ना। इशिता सर देखिए, जब भी हम कोई आउटडोर पे जाते हैं ऐसी सारी प्रॉब्लम्स तो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जगह छोड़कर चले जाए सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। मेघा तुम आज मरने वाली थी पता है, और तुम यहाँ रहना चाहती हो, तुम्हें हो क्या गया है? ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि सिद्धार्थ सही वक्त पे आ गया और तुम्हें बचा लिया, नहीं तो मैं तो चलने को तैयार हूँ। मैं क्या, ऑलमोस्ट सारे लोग तैयार हैं। क्यों भाई, चलो फिर करते हैं सर। चलो सर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए सर। सर अभी ने तो कहा था कि अभी यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है, और सर अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमने जितना कुछ भी यहाँ पर शूट किया है सब वेस्ट हो जाएगा सर। मैं भी जानता हूँ सब वेस्ट हो जाएगा, पर दूसरों की जान खतरे में डालकर शूट करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सुबह ही चलते हैं, तुम सारे डिपार्टमेंट को पैक करने को बोल दो। Yes, okay, let's move. अच्छा हुआ सर, आ जाओ। चलिए जितनी जल्दी होगा यहाँ से निकल जाते हैं। मेघा तुम्हें पता है मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि इतने कम समय में मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करने लगा हूं। आई मीन सिर्फ 4-5 दिन ही तो हुए हमें मिलकर। जानती हूँ, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें मिले हुए इतना कम समय हुआ है। 4-5 दिन तो क्या, 4-5 साल तो क्या सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को हमेशा हमेशा से जानते हैं। जब तुम मेरे साथ होते हो ना तब मुझे बहुत अच्छा लगता है,
और जब तुम साथ में नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों सिद्धार्थ, मुझे ऐसा क्यों लगता है? अब इतना सब कुछ देख लिया है कि लाइफ में कभी हॉरर फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग रोशनी, यू लुकिंग वेरी प्रीटी। क्या मुंह और बॉडी पे स्क्रैचेस, बाल कोम किए हुए जमाने हो गए, कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है और मैं तुम्हें प्रीटी दिख रही हूँ। सब पता चल जाएगा, वो एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। यूनिट का पैकअप भी लेट हुआ है और महल में भी कुछ खाने के लिए नहीं है। क्या खाएंगे हम? तुम उसकी फिक्र मत करो, हम ब्रेकफास्ट डेट पे जाएंगे। क्या ब्रेकफास्ट डेट? कहाँ? हमारे चाची की चाय की दुकान पे। ओह चलो रोशनी, जब हम मुंबई वापस पहुंच जाएंगे तो क्या अब तुम्हें मेरी याद आएगी? कैसी बातें कर रहे हो गौतम? नहीं वो नहीं। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसके बाद हम एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए और अब तुम्हारे सवाल का ये जवाब है गौतम कि मुंबई पहुंचने के बाद मुझे तुम्हारे बहुत याद आएगी। भूख लग गई है। एक रात
लक्ष्मी, ये सब क्या हो गया? पूरे गांव का नक्शा बदल गया। एक रात में नहीं हुआ रोशनी, ये गांव सदियों से ऐसा ही है। मौत से लड़ते आए ना, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें अकेला छोड़ के मैं नहीं जाने वाला यार। मैंने जाओ यहाँ से। मत जाओ, वादा करो,
कब से इंतजार कर रहे हैं, ना डायरेक्टर का पता ना यूनिट का, आखिर यहां हो क्या रहा है? अरे आ जाओ, कितना इंतजार कराओगे तुम लोग, निकलना है। टू मच यार, लेट्स गो। देर क्यों लग रही है? रिलैक्स पंकज जी और रिश्ता, पूरी यूनिट को तैयार होकर नीचे आने में टाइम लगेगा, तो हमें वेट करना होगा, जस्ट रिलैक्स। हमें अभी के अभी यहां से निकलना होगा। गौतम, अरे ये तुम्हें हो क्या गया? ये हालत क्या बना रखी है तुमने अपनी? गौतम, ये सारा खून कैसा है? और रोशनी कहाँ है? वो और नहीं रहे। क्या? क्या? गौतम, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ रोशनी को? बोलो गौतम, हुआ क्या उसे? रोशनी को आत्माओं ने मार दिया। पूरा का पूरा गांव आत्माओं से भरा हुआ। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम में से कोई नहीं बचने वाला। देखा तुम सबने, मैं पहले से कह रहा हूँ, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है सरार नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेफ नहीं है यहाँ एक पल भी रुकना। जल्दी चलो यहाँ से, चलो सबको बुलाते हैं। पंकज जी, आप और गौतम उस तरफ के कमरे देखिए, मैं और बाकी लोग उस तरफ के देखते हैं। चलिए जल्दी। वो अपना प्रोडक्शन मैनेजर राजेश का कमरा। हर कमरे में सिर्फ लाश है। डायरेक्टर साहब, कमरा उनका काम, कमरा कहाँ गया? कमरा उनका कमरा। डायरेक्टर, डायरेक्टर साहब। क्या बिगाड़ा हम सबने तुम्हारा? क्या चाहते हो हमसे? एक एक करके मेरे हर दोस्त को मार दिया तुमने, तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ा? आओ ना, मारो मुझे, मारो मुझे, मार मुझे, मार 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 मुझे, मार मार मार। गौतम, संभालो अपने आप को। देखो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मेरी गाड़ी यहीं बाहर खड़ी है, हम उसमें निकल सकते हैं। गौतम, गौतम सिद्धार्थ सही कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। ओके, चलिए चलिए। Thank you.
कहाँ जा रही हो? पता नहीं कल रात से क्या हो गया है इसको, अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मेघा, यहां हम सबके जान का खतरा है। मेघा मेघा चलो निकलो यहां से। गाइस, पंकज मेघा नहीं है यहाँ पे। मेघा, मेरी और मेघा की तस्वीर है, और ये कब बनाई गई और यहां कैसे आई? मेघा, 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 क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? मेघा चलो निकलो यहां से, तुम्हें पता है ना क्या क्या चीजें हो रही है यहां? हम सबको चलना है मेघा, अगर एक पल भी रुक गए ना तो खतरे से खाली नहीं है। मेघा चलो चलो यहां से। मेघा बाबा, ऐसा मत कीजिए बाबा, मैं आपके हाथ से। बाबा व्हाट नॉनसेंस, मेघा होश में आओ, तुम्हारा बाबा बाबा नहीं, मैं पंकज हूं। चलो मेघा निकलो यहां से। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए बाबा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती बाबा। बाबा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेघा सब किससे कौन सा प्यार, मैं बाबा नहीं हूं तुम्हारा। मेघा बाबा, बाबा आपको कुछ भी याद नहीं? बाबा आपको याद? बाबा एक बार मेरी बात तो सुनिए बाबा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए बाबा। बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा। चुप कर देवी, पूरे गांव के सामने मेरी नाक खटाक रखती। नहीं बाबा,
कमरे से बाहर नहीं जाएगी तू। नहीं बाबा। यानी मर। नहीं बाबा, बाबा ऐसे मत कीजिए बाबा। बाबा बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए बाबा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बाबा। देवी पैर छोड़। बाबा बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए बाबा। बाबा अब आपको याद है वो दिन? मेघा होश में आओ मेघा, क्या बोल रही हो ये सब तुम? मेघा मैं तुम्हारा बाबा बाबा नहीं हूँ, मैं पंकज हूँ। हम सीरियल शूट कर रहे थे मेघा यहाँ पे। ये कोई पिछले जन्म का किस्सा नहीं है मेघा। मेघा उस सीरियल की कहानी है जो पिछले कुछ दिनों से हम शूट कर रहे हैं मेघा। नहीं बाबा। मेघा यहाँ से निकलो, एक पल भी रुकना ठीक नहीं है मेघा। चलो यहाँ से मेघा। चलो यहाँ से। अरे खोलो दरवाजा, खोलो। ये तुम्हें की आवाज है? वो जरूर किसी मुसीबत में। गौतम मेघा, मेरे बाबा को छोड़ दीजिए, मत मारिए, छोड़ दीजिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी विराट। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी विराट। मैं पंकज हूँ, मैं विराट नहीं हूँ। बाबा माफी मांग दो। अभी किस बात की माफी? बाबा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, माफ करना मुझे, मुझे माफ करना। तुझे जाना है? बाबा, बाबा, मेघा। क्या हुआ मेघा? बाबा क्या हुआ? मत करो, बाबा, 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 बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा, पर आगे खून नहीं बहा बाबा। बाबा मुझे छोड़ के चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेघा ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे बाबा नहीं है पंकज जी है। नहीं, तो नहीं। ये मेरे बाबा है। तुम लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता मेरी बातों का? अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो देखो उस तस्वीर को, देखो उसे, बताओ मुझे सिद्धार्थ बाबा और मेरी तस्वीर यहाँ कैसे आई? हाय शिदा। सिद्धार्थ वही है। ये हवेली बिल्कुल सेफ नहीं, हमें अभी इसी पर कैसे जाना है? इशिता तुम मेघा को लेकर चलो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। चलो इशिता, चलो मेघा। तुम ही हो ना, तुम ही हो ना वो। तुम क्या कह रही है? क्या हो गया तुम्हें? चलो बैठो, जल्दी बैठो। ये गौतम कहाँ रह गया? मैं अंदर देख के आती हूँ, तुम यहीं रुकना ओके? ठीक है शिता, पर तुम जल्दी आओ। तुम्हीं ने मारा है सबको। हम सब तो यहाँ पे रियलिटी शो खेलने आए थे,
हम में से किसी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों मारा मेरे दोस्तों को? क्यों मारा रोशनी को? जवाब दो मुझे जवाब चाहिए। क्या होता जा रहा है गौतम को? किससे बातें कर रहा है? कदम पंकज जी भी मर चुके, हमें अभी निकलना होगा। चलो कदम, चलो 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 कदम, चलो चलो चलो। अभी अभी मेघा सिद्धार्थ कहाँ गए? मेघा पूरी तरह पागल हो गई है, खुद तो मरेगी हमें भी मरवाएगी। सिद्धार्थ, मेघा, सिद्धार्थ, सामना करूंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा, क्योंकि आज अगर मैं चला गया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। इसने हमारी घर की इज्जत पे हाथ डाली है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेघा, तुम यहां क्या कर रही हो? चलो यहां से। नहीं भुवन, भुवन यहां से चले जाओ, भुवन बाबा तुम्हें मार डालेंगे। अगर बाबा को पता चल गया ना कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। भुवन, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम यहाँ से। देवी, आज अगर मैं चला गया तो तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे। आज मैं उनका सामना करूंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा, क्योंकि आज अगर मैं चला गया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। देवी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। तुम मेरा साथ होगी ना, चलोगी ना तुम मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ मामा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो चलो। बाबा वो चुप कर। इसने हमारी घर की इज्जत पे हाथ डाली है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, हम भुवन से प्यार करते हैं। ठाकुर साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मैं और देवी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अपनी गंदी जबान पे मेरी बेटी का नाम मत ला। और देवी, भुवन तुम यहां से चले जाओ, बाबा तुम्हें मार डालेंगे। भुवन, देखा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, चलो यहाँ से। नहीं भुवन, तुम यहाँ से चले जाओ, बाबा जानते हैं कि तुम यहाँ हो,
वो तुम्हें मार डालेंगे भुवन, तुम यहाँ से चले जाओ भुवन। मेघा कौन बाबा, कैसे बाबा? मैं सिद्धार्थ हूँ भुवन नहीं, हम यहाँ शूट करने आए हैं। और पंकज जी जो तुम्हारे बाबा का रोल कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। सुना तुमने? मेघा होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? चलो यहाँ से, हम शॉप यहाँ पे जरूर कोई आत्मा का साहब, हमें आनी रुकना चाहिए। चलो तुम यहाँ से चलो। मेघा 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 होश में आओ, मेघा 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 आके खोलो, मेघा होश में आओ, मेघा 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 आके खोलो, मेघा 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 आके खोलो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तुम्हें कुछ भी याद नहीं? सिद्धार्थ तुम बरसों पहले यही थे, इसी जगह। सिद्धार्थ तुम्हारा नाम भुवन था, भुवन, और मेरा नाम देवी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सिद्धार्थ। नहीं मेघा, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा नाम सिद्धार्थ है और तुम्हारा मेघा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब प्लीज चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो। चलो मेघा, तेरे पापा ने मेरे बेटे भुवन की जान ली और आज मैंने उसकी। अब तेरी बारी है, मैं तुझे मारकर अपना बदला लूंगी। मेघा, देवी, सिद्धार्थ, 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 मेघा, 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 रोशनी की मौत हुई थी।
कदम वो देखो, हम वहां से मदद मांग सकते हैं कदम। क्यों शाम में कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। देखो ये पूरा गांव आत्माओं से भरा हुआ है। हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते यहाँ पे। मैं वहां जाके मदद देखती हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो इसमें। मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। जल्दी करो। इशिता रुको, नहीं अंदर मत जाओ। तो शायद हमें भी कोई खतरा नहीं है। देखो श्रीता, हमें वापस गाड़ी में जाना होगा। चलो। तुम कैसे कह सकते हो कि गाड़ी में रह के हम सेफ रहेंगे? कम से कम आज की रात हम यहाँ रहेंगे, फिर सुबह होते ही निकल जाएंगे। देखो, हम इस गांव में नहीं रह सकते, यहाँ पे बहुत खतरा। मेरी बात समझो। तुम मेरी बच्ची, मुझे पूरा यकीन था कि तू जरूर आएगी। मेरी बच्ची कदम, कदम। नहीं मेरी बच्ची, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। इतने सालों से मैं सिर्फ तेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि तू लौट के जरूर आएगी। मुझे कुछ याद नहीं बेटा, पर देवी को तो सब कुछ याद है। याद कर बेटा, तेरा नाम कुमारी है। गांव की सबसे नटखट बच्ची होती थी तू, पर बाबा के जाने के बाद तुझे और तेरे भाई को मैंने गले से लगाकर पाला है। कितने खुश थे हम सब, पर उस हवेली ने हमारी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। हम इस छोटे से गांव में खुशी खुशी रहते थे। तुम मेरी बेटी कुमारी, भुवन तुम्हारा भाई, और फिर वो बदकिस्मत दिन आया
देवी हवेली से मंदिर जा रही थी और तभी उसकी नज़र मेरे बेटे भुवन पर पड़ी। भुवन उसकी सुंदरता में खो गया और वो मेरे भुवन की सादगी में देखते ही देखते उन दोनों में प्यार हो गया और उस दिन के बाद वो मिलते रहे। और ऐसे ही एक दिन हवेली के पहरेदार ने उन्हें पकड़ लिया और उसने विराट को सब कुछ बता दिया। उसने भुवन को ख़त्म कर देने का फैसला किया। देवी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर उसने किसी की नहीं सुनी। हम जिस शो की शूटिंग कर रहे थे उसके भी काम यही देखा था और आप? हाँ बेटा, मैं भी नहीं बच पाई। देखा, एक बच्ची ही अपनी माँ का दर्द समझ सकती है। मत रो बेटा, शरीर का घाव तो भर जाता है पर मेरी आत्मा पर जो गहरा घाव है उसे अभी तक शांति नहीं मिली। तो पंकज जी को मार के मिल गई आपकी आत्मा को शांति? विराट का वो पुनर्जन्म था। तस्वीर नहीं देखी तुमने? मेघा ने आपका क्या बिगाड़ा था, उसे क्यों मार डाला? वो तो देवी थी, इन सब की जड़। मेरे बदले की हाथ में जो भी मेरे बीच में हटा गया मैं उसे जलाती गई। और मैं क्या करती? चलो गौतम, चलो, मेरे नॉर्ड नहीं सह सकती, चलो। तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरी बेटी हो कुमारी, तुम मेरे साथ रहोगी। जी नहीं, मैं कुमारी नहीं सीता हूँ और अपने आप को मेरी माँ कहना बंद करो। मेरा परिवार मुंबई में है, साथ साथ तुम्हारी कुमारी भी मर चुकी है। अपनी मौत के साथ अगर तुमने बदले की आस को छोड़ दिया होता तो आज तुम एक नई जिंदगी जी रही होती। नहीं करती, तुम सिर्फ नफरत कर सकती हो। चलो गौतम, एक कमजोर औरत है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो चल। कुमारी, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती, तू यहीं रहेगी मेरे पास इसी गांव में। मैं कुमारी नहीं हूँ, मैं इशिता हूँ, मुझे जाने दो। तू कुमारी नहीं है? मैं कुमारी नहीं हूँ। ठीक है, अब तू भी मरेगी। Thank you.
सब मर गए। सबको मार दिया इनाथ पाव ने। मुझे क्यों जिंदा छोड़ा? कैसे मैं क्यों मुझे जिंदा छोड़ा और मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? मुझे क्यों नहीं माना तुमने? मुझे मारो ना, मार दो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। मार कहाँ कहाँ छुपे? तो ये जगह चुनी है मुझे मारने के लिए, यहां मरूंगा मैं। मुझे मुक्ति देगा वो, सबको मार दिया उसने, अब मुझे मारेगा वो, मुझे मुक्ति देगा वो। तो तुम आके मुझे मुक्ति देने के लिए? तुम ना मुझे मुक्ति,
क्या पागल है क्या? देख के नहीं चल सकता क्या? निकल गया मैं वहां से निकल गया मैं जल्दी से पास वाले पुलिस स्टेशन में लेके जाओ। ठीक है चलो। मुंबई बदला बदला सा लग रहा है। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। हट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।